हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो रहा है अभी संडे का आफ्टरनून का टाइम, और जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले ना सो के उठ रहा है, क्योंकि संडे सैटरडे नाइट मैच आ रहा था तो वो देख लिए थे, तो इसके चक्कर में बहुत देर से सोए और फिर देर से उठना हुआ। तो जस्ट उस उठते ही मैंने शावर ले लिया है, वॉशरूम क्लीन करना था, शैम्पू भी करना था, वो सब करने के बाद में, और कल रात में ये पुलाव बनाए थे तो वो बचा हुआ था तो डब्बे में पैक कर दी थी, बस उसी को गर्म किए और थोड़ा सा नमकीन डाल के खा लेते हैं। और क्योंकि ऐसे कुछ बनाने का भी नहीं हो रहा है, बनाऊँगी तो टाइम भी लगेगा, और ये भी बचा हुआ था तो यूज़ हो जा रहा है। उसके बाद फिर चाय रख रही हूँ यहाँ पे, चाय रखने के बाद में बस जाऊंगी हेयर ड्रायर करूंगी, क्योंकि बाल लंबे हैं ना और बाहर भी निकलना है अभी थोड़ी देर में चाय वगैरह पीने के बाद में, नहीं तो फिर मैं हेयर ड्रायर ना करती, लेकिन बाहर निकलना है ना तो बाल बहुत गीले रहेंगे और फिर काफ़ी टाइम गीले रहते हैं तो ठंड लग जाएगी। सोचती हूँ बाल थोड़े मैं छोटे कर लूँ, खुद से ही काटती हूँ यहाँ पे तो काट लेती हूँ, लेकिन मुझे छोटे बाल उतने पसंद नहीं आते हैं, और देखती हूँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो थोड़े थोड़े बाल कट कर लूँगी, घर पे ही कट करती हूँ मैं, और नहीं तो अभी काफ़ी टाइम ठंडा रहेगा ना, लंबे टाइम तक रहता है तो फिर दिक्कत होती है। बस यहाँ पे इयर रिंग चेंज करना था, काफ़ी टाइम से वही एक डाली थी तो मुझे लगा चलो ये चेंज कर लेती हूँ, और बस नेल पेंट भी छूट गया था तो नेल पेंट भी लगाऊंगी, चाय पीते पीते टीवी देखते देखते वो भी हो जाएगा, अलग से टाइम तो नहीं रहता है, कि टाइम भी रहता तो बहुत आलस आता है ये सब चलो नेल पेंट लगाओ, बट ऐसे टाइम पर जब चाय वगैरह पीते रहती हूँ टीवी देखते रहती हूँ तब लगता है चलो अच्छा बैठ के लगा लेती हूँ। बस इसको लगाऊंगी और बाहर के लिए निकलेंगे, ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी नहीं है अभी घर पे, इंडियन स्टोर की ग्रॉसरी, कॉस्को का ग्रॉसरी तो कर लिए थे बट इंडियन स्टोर वाला जो सब्जी वगैरह रहता है ना वो नहीं लिए थे, तो बस उसके लिए निकलेंगे। बस यहाँ पे फिर जैकेट वगैरह डाले, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ गया, ये तो संडे की वीडियो है, अभी तो यहाँ स्नोफॉल भी हो गया है, इस बार बहुत जल्दी हो गया है स्नोफॉल, और इसके आगे वाली वाली वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस साथ में एक बॉटल पानी ले लिए हैं क्योंकि प्यास वगैरह, तो यहाँ पे इंडियन स्टोर से जो लेना था वो ले लिए थे, बस सब्ज़ी ही ज़्यादा लेनी थी, बस कुछ कुछ चीज़ें और दाल वगैरह ख़त्म हुई थी तो वो लेना था, तो यहाँ पे मैं सब्जियों में भिंडी ली हूँ, टमाटर, आलू, प्याज और धनिया का पत्ता और कुंदरू, ये गवार फली है, ये सब सब्जियों में है, और वैसे ड्राई चीज़ों में अभी दाल चावल सब है ही, ख़त्म नहीं हुआ था, बस चने की दाल ख़त्म हुई थी तो वो ली थी, यहाँ जीरा ख़त्म हो गया था वो ली थी, एक पैकेट मैगी का दिखा तो वो ली थी, और ये चने दाल नहीं ख़त्म थे, बस ये सबको जमाई और चाय वगैरह बनाए पिए। बस यहाँ पे हो गई है रात का टाइम, तो रात में बस खाने में बना रहे पनीर भुर्जी, और साथ में बनाऊंगी ब्रेड, ब्रेड सेकूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्को से दो पैकेट ब्रेड मिलता है ना, एक पैकेट नहीं मिलता, जब भी लेंगे तो आप दो पैकेट मिलता तो वो ख़त्म करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल में जीरा का तड़का दी, मिर्ची और साथ में प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाली थी, और उसके बाद में थोड़ी देर भुनने के बाद में इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद में कैप्सिकम काट के डाल दी हूँ, और थोड़ी देर इसको भुनने के बाद में बस वही बेसिक मसाले जो घर पे हर सब्जियों में पड़ते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालने के बाद में थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि ड्राई मसाले हैं, ज़्यादा देर तक भुनने से फिर वो जल जाएंगे, बस थोड़े दो मिनट भी नहीं, एक मिनट या हाफ सेकेंड ऐसे भूनूंगी, और उसके बाद फिर टमाटर ऐड करके थोड़ा सा टमाटर भी गल जाए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, टमाटर भी थोड़ा गल जाएगा, तो पनीर को मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, तो पनीर को कद्दूकस करके रखो ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है, चाहे तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था तो पनीर को कद्दूकस कर दिया है यहाँ पे, और अब सारा डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, बहुत देर तक इसको भी नहीं चलाना, नहीं तो पनीर एकदम टाइट हो जाएगा, बस थोड़े देर ऐसे मिक्स करके चला दूंगी तो ये हो जाएगा पनीर भुर्जी, और उसके बाद में बस इसके साथ ब्रेड सेक लेंगे, और ये रात का हो गया खाना आज का हम लोग का, ऊपर से मैंने चाट मसाला डाला है और ब्लैक नमक, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है थोड़ा सा, तो वो डालने के बाद में बस खाना हम लोग का आज रात का यही रहेगा।
और यहाँ पे हो गया है मंडे का मॉर्निंग सुबह का, और यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं ऐसे कुछ बना नहीं रही हूँ, बस ये मूंग दाल भिगा के रखी थी जिसमें स्प्राउट निकल आए हैं, बस वही अनार और थोड़ा सा सेब और ये ब्लूबेरी था। सबको को छोटा छोटा कट करके, अनार को खोल लूँगी और सबको छोटा छोटा कट करके मिक्स कर दूँगी अच्छे से, तो ये सुबह का हम लोग का नाश्ता हो जाएगा। और इसमें ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, लेकिन मैं अपने में डालूँगी, इनके में नहीं डालूँगी, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। ऊपर से फिर ना एक हेम सीड्स अभी दिखाई होंगी कॉस्को से, हम लोग ग्रॉसरी में लेके आए थे, ये हेम सीड्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप किसी भी जैसे स्मूदी वगैरह बनाते हैं या फिर सूप बना रहे हैं किसी में भी डाल के, आप ऐसे ही नाश्ते में भी डाल के खा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग पिछली बार लेके आए थे, ख़त्म हो गया था तो काफ़ी टाइम से नहीं खा रहे थे, तो अभी लेके आए हैं। बस उसके साथ लड्डू जो बनाई थी वो सुबह में एक एक ले लेते हैं नाश्ते के साथ में, तो बस ये नाश्ता करूँगी बैठ के आराम से, फिर उसके बाद अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, पूरे घर के काम कुछ भी नहीं किया है अभी, तो वो सब करूँगी। और अभी जैकेट भी निकालने हैं, अभी थोड़ी दिन पहले मैंने एक सूटकेस खोला था तो उसमें मुझे हैवी जैकेट नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे अभी ना स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर रात में माइनस में भी जा रहा है, तो मोटे मोटे बाहर के लिए मोटे मोटे जैकेट चाहिए, और अंदर का कपड़ा मतलब घर में कपड़ा पहनने के लिए तो निकाल ही ली थी, बस बाहर का जो मोटा मोटा जैकेट था और कुछ स्वेटर इसमें थे वो निकाल ले रही हूँ। और संडे के दिन अच्छी खासी धूप थी तो इस सबको हैंगर में डाल के थोड़ा सा धूप दिखा दूंगी, उसके बाद फिर क्लॉजेट में टांग दूंगी। और ये जो एडी बावर का जैकेट है ना, ये मेरा है और सेम कलर चेंज है, बस इनका भी ऐसे ही है, और ये जैकेट बहुत हल्के होते हैं और ठंड भी काफ़ी कम लगती है इससे, और भारी भारी जैकेट ज़्यादा टाइम पहन के ना रखा नहीं जाता है, तो एडी बावर बहुत ही हल्का जैकेट होता है। इनके पास भी एक इसमें का है और मेरे पास भी एक एक है, दोनों जन के पास काफ़ी टाइम के लिए जब बाहर निकलना होता तो हम लोग वही डाल के निकलते क्योंकि लाइट वेट है। बस इसमें कुछ स्वेटर भी रखे थे वो भी निकाले, और ये सब सारे स्वेटर वगैरह ना काफ़ी काम नहीं आते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड रहता है ना, कि जब एकदम समर ठंड जाने आने वाली होती है ना उस टाइम के लिए सब स्वेटर ज़्यादा काम आते हैं। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि मुझे खुद भी ख्याल नहीं था, सेम तीन स्वेटर एक ही कलर के हैं, बिल्कुल एकदम वैसे ही हल्के लगते हैं, जैसे अलग अलग पहनो ना तो फिर लगेगा जैसे कि वही स्वेटर पहना हुआ है। बस यहाँ पे जो भी स्वेटर थे वो भी निकाल ही लेती हूँ घर में, जैसे कभी टेम्परेचर हाई रहा, धूप वगैरह रही तो घर में पहन सकते हैं, बाहर के लिए तो बिल्कुल भी ये सब काम नहीं देता है। घर में भी बस ज़्यादा माइनस में जब टेम्परेचर रहता है ना तो बिल्कुल भी ये सब काम नहीं देता है, बस आने जाने वाली जो ठंड होती है ना स्टार्टिंग की और लास्ट में वो सब के लिए काम देता है। लेकिन निकाल ले रही हूँ एक जगह, फिर रख दूंगी, नहीं तो फिर बार बार मुझे सूटकेस खोलना पड़ेगा। बस ये सबको फिर अलग अलग जमाऊंगी, और ये जो सारा सूटकेस खाली हुआ है ना इसमें इंडियन कपड़े जो और भी बचे हुए हैं बाहर रखे हुए हैं वो सब रख देती हूँ, जैसे लहंगा अभी मैं बाहर नहीं रखी थी, फोल्ड करके रखी थी बट बाहर ही था, अंदर नहीं रखी थी, और साड़ी थे और कुछ सूट्स वगैरह थे, तो वो सबको भी एक बार मैं रखी थी अच्छे से, सोची थी अब नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी कर करके धीरे धीरे फेस्टिवल में निकल ही गया था। और ये सारे सूट ना बस एक से दो दिन पहने जाते हैं, और वो भी दिन में पहनो ना दो से चार घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, तो अब सब इंडिया जाना होगा तो ये सब रख दूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम नहीं आता है, और वहाँ पे भी कुछ कुछ अभी सूट वगैरह है तो वो लेके आऊँगी, इसको रख दूंगी वहाँ पर। और बस यहाँ पे ग्लव्स वगैरह जो छोटे छोटे हैं ना इधर उधर हैं ये सब भी बस एक जगह कर दूंगी, एक बास्केट में करके रख दूंगी ताकि इसको आपको खोजना ना पड़े बाहर निकलो, और ये सब तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बस बस अभी से जैकेट को ना आधे घंटे में धूप दिखा दी थी, और जब तक धूप में डाली थी तब तक मैं अपना बेडरूम ठीक की और हॉल वगैरह ठीक की, किचन थोड़ा बहुत जो ठीक करना था वो सब ठीक की। और अब मैं चाय बनाऊंगी एक कप, नाश्ते के बाद चाय नहीं पिए थे, ये सब सारा सेट कर दी हूँ, एक बहुत बड़ा काम हो गया क्योंकि सूटकेस जो खोलने वाला काम होता है ना वो होता ही नहीं है, लगता है अच्छा कल कर लेंगे आज कर लेंगे, लेकिन अच्छा की थी कल लगा दी थी धूप, क्योंकि अभी तीन चार दिन से बिल्कुल भी वेदर अच्छा नहीं है, पता नहीं कब तक अच्छा होगा, अभी तीन चार दिन अभी और भी ऐसे ही दिख रहा है।
बस चाय बनाने के बाद में, पीने के बाद में, अब मैं दोपहर के लिए यहाँ पे गवार फली काट ले रही हूँ। और कल ही सब्ज़ी लेके आई थी ना, जो सब्ज़ी उसमें लगता है जल्दी ख़राब होने वाला लगता है उसको मैं पहले बना लेती हूँ, नहीं तो ये फिर इसमें दाग पड़ना स्टार्ट हो गया था, मुझे लगा ख़राब भी हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मूँगफली, लहसुन, मिर्ची रखी हूँ, आके फिर मैं बनाती हूँ। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही थी तो मुझे लगा चलो बेसन, हल्दी और दही यहाँ फेंट रही हूँ, ये फेस वॉश कर लूँगी इससे, क्योंकि रात में अक्सर करती थी, लेकिन अभी क्या इतना ठंड पड़ रहा है ना, स्वेटर वगैरह डाले रहो, फुल बाजू रहता है तो फिर मुंह धो क्लीन करने में ना, और बेसन से क्लीन करो तो ज़्यादा मुंह पे पानी डालना पड़ता है, उसके चक्कर में स्वेटर वगैरह काफ़ी गीले हो जाते हैं, तो मुझे लगा चलो नहाने जा रहे हैं तो उसी टाइम क्लीन कर लेती हूँ फिश। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद आ गई थी तो सोचा सब्जी बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में जीरा का तड़का दी और ये जो गवार फली है उसको डालने के बाद में नमक डाल के अभी ढक दे रही हूँ, हाफ़ कुक हो जाएगा तो जो मूंगफली और लहसुन मिर्ची निकाल के गई थी ना उसको मिक्सर में अच्छे से मैं पीस ली थी। लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल के पीस सकते हो, लेकिन हम लोग को ऐसे दरबरा भी पसंद आता है तो फिर इसको मैं दरबरा ही रखी हूँ। उसके बाद में हल्दी और जो पीसी थी वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो ये हम लोग का दोपहर का सब्जी हो गया। अभी लगेगा इनसे पूछूँगी तो दाल चावल बना दूँगी, नहीं तो रोटी बना लूँगी। बस इसी के साथ वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ।